नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने फिर की घर वापसी। सुनील यादव सपा में शामिल हुए हैं। शिवपाल यादव ने पार्टी में कराया शामिल। सपा से निकालकर भाजपा में शामिल हुए थे सुनील यादव। कई समर्थकों के साथ सुनील यादव ने दोबारा की है वापसी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर अब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी संदर्भ में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से सुनील यादव ने घर वापसी कर ली है। हम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय का पहला चरण पूरा हो चुका है, चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण से पहले अब शिवपाल यादव ने ये बड़ी सेंधमारी की है बीजेपी के खेमे में। शिवपाल यादव ने पार्टी में कराया है शामिल सुनील को। सुनील यादव ने घर वापसी की है एक बार फिर से। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में ही थे, फिर समाजवादी की पार्टी से वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। अब एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। शिवपाल यादव ने बड़ी सेंधमारी की है बीजेपी के खेमे में और निकाय चुनाव के दूसरे चरण से पहले घर वापसी हो चुकी है सुनील यादव की। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनील यादव सपा में हुए हैं शामिल। शिवपाल यादव ने पार्टी में शामिल कराया है सुनील यादव को। सुनील यादव पार्टी के लिए हर मोर्चे पे तैनात रहते थे, समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से उनकी वापसी हो चुकी है, घर वापसी माना जा रहा है उनका ये। और इससे पहले वो बीजेपी में थे और उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। तो यानी कि एक बार फिर से घर वापसी हो चुकी है सुनील यादव की। समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं सुनील यादव। पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने फिर की है घर वापसी। तो सुनील यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शिवपाल यादव ने शामिल कराया है सुनील यादव को समाजवादी पार्टी में। बड़ी सेंधमारी बीजेपी के खेमे में बताई जा रही है। और आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम है। एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने के ऐलान के बाद आज शरद पवार अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजरें लगी हुई है। मुंबई में एनसीपी कार्यालय में एनसीपी चुनाव कमेटी की मीटिंग हो रही है। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशरीफ, जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख, दिलीप वलसे पाटिल, जितेंद्र आव्हाड मीटिंग में मौजूद है। मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले और अध्यक्ष बने रहे। वहीं एनसीपी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र पवार साहेब ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। हमने एकमत से इनके इस्तीफे को नामंजूर किया है। अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहे। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, जर्सी, मशाल और गाने का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यूपी पहली बार मेजबानी कर रहा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएम
योगी आदित्यनाथ और अनुराग सिंह ठाकुर मशाल रिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। 25 मई से यूपी के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स का आयोजन होता है। 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और अब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण कराने की मंजूरी दी है और आज उसका मैस्कट, लोगो, मशाल, जर्सी और सॉन्ग लॉन्च किए गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया है और मोदी जी और योगी जी के प्रदेश में इसका आज तक का सबसे भव्य आयोजन। 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 5,000 के लगभग खिलाड़ी और 21 खेलों को अलग अलग उनका आयोजन किया जाएगा। ये भव्य आयोजन 25 मई तक चलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे पूर्व में कई रिकॉर्ड टूटे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर भी कई नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे और कई उभरते हुए खिलाड़ी हमें मिलेंगे, तलाशेंगे भी और फिर तराशेंगे। सीधे चलेंगे हापुड़, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में नगर पालिका उपस्थित और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और नगर पंचायतों के उपस्थित प्रत्याशीगण, हापुड़ के मेरे सभी भाइयों बहनों और उपस्थित हापुड़ के मेरे सभी भाइयों बहनों, पावन तट मां गंगा के पावन तट पर स्थित पवित्र तीर्थ गणमुक्तेश्वर की इस पावन धरा को नमन करते हुए हापुड़ जनपद विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ और नगर के चुनावी माध्यम से करना है और नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाएं हो या फिर विकास के कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अभियान इन सभी के लिए फिर से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे साथ यह सम्मानित मंच आज हापुड़ जनपद में आया है। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक नया भारत जिसके बारे में दुनिया की धारणा भी बदली है, दृष्टिकोण बदला है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज हमारा देश सुरक्षित है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेस से मेरठ को हापुड़ होते हुए
प्रयागराज से जोड़ेगी। अब तक प्रयागराज पहुंचने में जो 12, 14, 16 घंटे लगते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद, गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा पाएगा। एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मेरठ की दूरी को उसने सीमित कर दिया, मात्र 45 मिनट की दूरी तय, ये दूरी तय की जा सकती है। और इसीलिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे बड़े बड़े कार्य और दूसरी तरफ आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में करोड़ों गरीबों को सिर ढकने के लिए छत दे दी गई, करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बन गया, करोड़ों गरीबों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड आ गया, करोड़ों गरीबों के लिए जनधन के अकाउंट खुल गए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा भारत अकेला देश है जो अपने नागरिकों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। पिछले 3 वर्ष से लोअर से सुविधा भारत के नागरिकों को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के कार्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, ये तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, विरासत का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी के ही विजन को यूपी ने अक्सर से लागू करके अपने मिशन का हिस्सा बनाया है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आवश्यक तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। छह वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है, परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। पास आए आपसे कहने के लिए 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं भी बदली है। आज लोगों ने उत्तर प्रदेश का नागरिक हमारा कहीं जाता है लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। 6 वर्ष पहले हमारा नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, आज पहचान को छुपाता नहीं, सीना तान करके बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक। क्या नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के पेट को भरने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है और देश का सबसे ज्यादा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का बेस भी उत्तर प्रदेश के पास है। जब कोरोना कालखंड में एकाएक 40,00,000 कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश आए, लोग उसे बोलते थे क्या करेंगे, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे, अरे हमने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी को अपने साथ जोड़ता है, तो 40,00,000 लोग तो हमारे अपने हैं, ये आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, इनका उपयोग हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और मैंने उस समय एमएसएमई यूनिट से कहा था, मैंने कहा एक एक दो दो लोगों को अपने यहां जोड़ दीजिए, इनका भी काम चलेगा आपका भी काम चलेगा। और भाइयों बहनों, 96,00,000 एमएसएमई यूनिट है और कल 40,00,000 लोग आए थे, ये 40,00,000 लोगों को सबने अपने अपने यहां रख लिया, पता ही नहीं लगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीत लिया, मजबूती के साथ जीत लिया।
अभी चुनाव आ रहे थे, नगर निकाय चुनाव, कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। लोग उससे कहते थे कि चुनाव आ रहा है, कोरोना फिर आ जाएगा। मैंने कहा कोरोना यहां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोरोना को हमने कैद कर दिया है। और भाइयों बहनों, जब सरकार की सकारात्मक सोच होती है, केंद्र और राज्य सरकार एक सही एक ही दिशा में एक स्पीड से आगे बढ़ती है, तो फिर विकास आने में कोई देर नहीं लगती। लोगों के जीवन में सुख और सुख ही दिखाई देगा, और उस सुख को आगे बढ़ाने के लिए, मंगल ही मंगल को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं एक बार फिर से आया हूं। डबल इंजन सरकार पैसा लाएगी, लेकिन उसको जमीन धरातल पर उतारने की आवश्यकता, उस प्रकार का बोर्ड चाहिए नगर निकायों में। आप सोचिए ना, जितनी तमाम राज्यों की आबादी नहीं और तमाम देशों की आबादी नहीं, उतने लोग हमारे केवल नगर निकायों में निवास करते हैं। 4,32,00,000 केवल बताता है, 6 करोड़ की आबादी हमारी, 6 करोड़ से अधिक की आबादी नगर निकायों में निवास करती है। नगर निकाय चुनाव में 4,32,00,000 मतदाता है, आखिर इनकी आवश्यकताएं होंगी? 17 के पहले क्या था, हमारे नगर कूड़े के ढेर होते थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को और उनके विधायकों को और वहां के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को, जिन्होंने गाजियाबाद को देश के सुंदरतम नगरों में स्थापित कर दिया। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी गाजियाबाद आने में? लोग डरते थे, गंदगी और माफिया का जो है एक यहां भी पहचान हो जाती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान हो जाती थी। लेकिन आज हमारे नगर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। 17 के पहले सौदों का आतंक हुआ करता था, आज सौदों का आतंक नहीं, हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। 17 के पहले तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे, हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं टैबलेट पकड़वाने का काम किया है, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य वर्तमान में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक आगे बढ़ा है। 17 के पहले हमारा व्यापारी रंगदारी देता था माफियाओं को और अपराधियों को, आज रंगदारी नहीं देता। आज तो हमारा व्यापारी 10,00,000 रुपए की उसको सुरक्षा कवर हम लोगों ने बीमा कवर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिया है, और पीएम स्वनिधि योजना पटरी व्यवसायियों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। 17 के पहले व्यापारी और शरीफ नागरिक सिर झुका करके चलता था, कैसे इज्जत बची, कैसे जान बची। लेकिन आज व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक सीना तान करके चलता है, और अपराधी और माफिया सिर झुका करके जान की भीख मांग करके पट्टी लटका करके चलता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आने आपसे कहूं, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये विकास के साथ जुड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश की नई पहचान को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35,00,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये 35,00,000 करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये उत्तर प्रदेश का ही नौजवान है जिसको नौकरी मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश ही देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं से कुछ दूरी पे बन रहा है, इसका लाभ भी हापुड़ को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, उसके लिए तैयार करना, उसके लिए ऐसी नगर पालिका का गठन करना जो विकास की समग्र सोच को आगे बढ़ा सके, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने
हापुड़ में, पिलखुआ में, गढ़मुक्तेश्वर में और बाबूगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाइयों बहनों, हापुड़ की पत्नी पहचान रही है और हापुड़ के बगैर तो कोई भोजन पूरा होता ही नहीं। हापुड़ के पापड़ के बगैर तो भोजन का स्वाद ही लोगों का फीका पड़ जाता था, लेकिन आज हापुड़ ने फिर से अपनी पहचान बनाई है। पिलखुआ अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है, पिछली सरकारों ने उसे समाप्त प्राय ऐसा कर दिया था, सरकार ने, हमारी सरकार ने आके उसको प्रोत्साहित किया, आज वह फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। गढ़मुक्तेश्वर को एक पवित्र धाम के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। बाबूगढ़ में भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी पहचान है, विकास की नई सोच के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास है और उसी प्रयास को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सोमती केन को हापुड़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। पिलखुआ से श्री विभू बंसल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। गढ़मुक्तेश्वर से श्री राकेश बजरंगी, सही बजरंगी की तरह दिखते भी हैं, और श्रीमती मुन्नी देवी बाबूगढ़ से, नगर पंचायत बाबूगढ़ से ये हमारे प्रत्याशी हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से जोरदार तरीके से इनका स्वागत कर दिया। इन चारों प्रत्याशियों को चारों नगर निकाय में आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन ये समर्थन आपका तभी माना जाएगा जब इनके साथ साथ इनके पार्षदों को भी जिताएंगे। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, दुनिया की सुविधाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनेगा और नगर निकाय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बनेगा। हर घर नल की योजना हो या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य, नगर स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित बनेंगे। उत्तर प्रदेश फिर से देश के अंदर नगर निकायों में एक नया स्थान बनाएगा। इस विश्वास के साथ इन चारों प्रत्याशियों को इनके पूरे बोर्ड के साथ विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, आप सब इनके समर्थन में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। हापुड़ से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी काफी आगे बढ़ रहा है और लगातार विकास के पथ पे अग्रसर है। 2017 से पहले लोग सर झुका के चलते थे, व्यापारी सर झुका के चलते थे, लेकिन अब का माहौल बदल चुका है। अब माफिया और गुंडे सर झुका के चलते हैं, तख्ती लटका के चलते हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।